खरगोन में विचाराधीन कैदी की मौत से आक्रोशित आदिवासी संगठनों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे से यहां निमाड़ मालवा के आदिवासी समाज जन पहुंचने लगे। TIT कॉम्प्लेक्स के सामने बीच रोड पर शाम करीब 6 बजे तक धरना जारी रहा। धरने में सैकड़ों लोग शामिल हुए। यहां शासन की अब तक की कार्यवाही से संगठन पदाधिकारी असंतुष्ट नजर आए। माधुरी बेन ने आरोप लगाया कि खैरकुंडी निवासी बिसन की मौत व्यवस्था और संस्था द्वारा की गई हत्या है। इस मामले में हो रही न्यायिक जांच के आदेश का हम स्वागत करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं। हमारी मांग है कि मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले। मेडिकल रिपोर्ट में बिसन को स्वस्थ बताने वाले डॉक्टर JP बडेरिया को निलंबित कर उन्हें भी सह आरोपी बनाए, तब जाकर न्याय मिलेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते। ये सभी आदिवासी संगठन, और जो संगठन में नहीं है वो आदिवासी, पूरे पूरे मालवा निमाड़ के आदिवासी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक प्रतिनिधित्व के रूप में। और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो फिर बड़ा व्यापक आंदोलन करने का भी यहाँ पर संकल्प लिया जा रहा है। मामला ये है कि खरगोन के पिस्टान थाने में चोरी के मुख्य इल्ज़ाम में कुछ आदिवासियों को पकड़ा गया। पकड़ा कैसे गया कि उनके गांव के पटेल को बोल दिया कि इसी आदमी को पेश करो, तो पटेल उन लोगों को ले गए और उनके पटेल के साथ जो लोग गए थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, जो गांव के नाम से साथ में गए थे। 4 लोगों को उन्होंने 31 अगस्त से बिना विधिवत गिरफ्तारी के उठा के रखा। और आप जानते हैं कि 24 घंटे के अंदर आप कोर्ट में पेश करना होता है, 24 घंटे के अंदर न पेश करते हुए उनके साथ इतने बर्बर तरीके से मारपीट करते गए कि परिजन घबरा गए, परिजन कोर्ट में आए और यहाँ उन्होंने एक आवेदन लगाया। वो आवेदन की कॉपी भी हमारे पास है जिसमें कि हमारे लोगों के साथ वो थाने में रखा जा रहा है, कोर्ट में नहीं पेश किया जा रहा है और उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की जा रही है, ये बताया गया। मजिस्ट्रेट के कहने पर फिर अगले दिन 4 तारीख वो लोग पेश हुए। अगर ये नहीं होता तो मजिस्ट्रेट नहीं बोलते तो हो सकता है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने कभी पेश ही नहीं होते, थाने में ही मार के दफनाए जाते। क्या मांग है आपकी? तो हमारी ये मांग है कि जो जो हत्या हुई है उन जो जो दोषी कर्मी हैं उनको सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके ऊपर FIR दर्ज की जानी चाहिए। ये NHRC का गाइडलाइन भी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक FIR भी नहीं दर्ज हुआ है। दूसरा NHRC का गाइडलाइन है कि पूरा थाने को बदल देना चाहिए, एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं बचना चाहिए, बल्कि अभी जो भी जिस व्यक्ति को बिठाया गया है वो पूरे इस घटनाक्रम में शामिल रहा था उसी व्यक्ति को अभी प्रभार दिया गया है। इससे समझ में आता है कि प्रशासन बिल्कुल सीरियस नहीं है इस मामले में। तीसरी बात यह है कि जिन दोषी डॉक्टरों ने पहले कोर्ट में बोला कि 3 तारीख के बोला कि वो फिट है, जो पिस्टान के MO है, उनको से आरोपी बनाया जाना चाहिए और उनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। जिस जो खरगोन के हॉस्पिटल के डॉक्टर भदेरिया ने जिन्होंने जब जेल वालों ने लेने से इनकार किया, जेल अधीक्षक ने इनकार किया कि ये घायल आदमी है मैं नहीं लूँगा, तो फिर उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया कि आदमी ये व्यक्ति स्वस्थ है और उसके कोई इंजरीज नहीं है, लेकिन आपने भी वो इंजरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।